कहने वाली बात थोड़ी है। एक आदमी को जब 42 की गोली लगा तो इसे अनुभव कर सकते हैं, सोची साजिश से किया गया है। किस बात का? नहीं, राजेश सहनी उर्फ भोला सहनी, और राजेश सहनी उर्फ भोला सहनी का मौत हो गया। और जैसे एक तो जैसे मुकेश सहनी, फोन वो नहीं उठा रहा है। मछली मरवा रहे थे हमारे बहनोई साहब मुकेश सहनी और भाई हैं भोला सहनी। अच्छा। और उसी क्रम में वो पहले साजिश लगभग 15 आमदी थी, 15 आमदी हथियार से लैस थे। अच्छा, कितना हथियार होगा लगभग? लमसम 15 हाथ में आदमी के हाथ में हथियार था। ठीक है। उसके बाद अब अनुभव लगा सकते हैं कि एक आदमी को 42 गोली लगा है, तो उसे तो अनुभव लगा सकते हैं कितना गोली चला होगा। उसमें कहने वाली बात थोड़ी है। एक आदमी को जब 42 गोली लगा तो इसे अनुभव कर सकते हैं, सोची साजिश से किया गया है। किस बात का था? मछली का व्यवसाय करते हैं ये मुकेश सहनी। हाँ। अच्छा, लगभग कितना राउंड फायरिंग हुई होगी उस समय? लगभग समझिए कि 100 राउंड। 100 राउंड। वो लोग कितना आदमी थे? उधर से 15 आदमी थे। 15 आदमी थे। इधर ये लोग क्या आदमी थे? इधर तो ये लोग 4-5 आदमी था अपने घर का, व्यापारी लोग था, मछली ले खरीद का व्यवसाय करने वाला। तो जब फायरिंग शुरू हुआ तो व्यापारी लोग भाग गया है। ये लोग 3 आदमी हैं, तो इनके एक तो और भाई हैं हरियती रामनरेश सहनी सबसे बड़ा, उनको भी हाथ में गोली लगा हुआ है। आए घटना के पहले पूर्व में आज से 15 तारीख को वही मुकेश सिंह और संजय सिंह आकर दरवाजे पर, ये लोग घर पर कोई नहीं था, दरवाजे पर आकर गोली चलाया था। लोग वहाँ से खोखा वोखा ले जाकर साहिबगंज थाना में दिया गया, आवेदन दिया गया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अच्छा, कितना दिन पहले की बात है ये? 15 दिन पहले की बात है। अच्छा, पोखर पर लगभग उसमें कितना आदमी रहा होगा? लमसम पोखर पर रहा होगा इनके फैमिली का 7-8 आदमी, और उसके तरफ से 15 आदमी, उसके तरफ से 15-20 आदमी। एक आदमी को कितना गोली लगा? एक आदमी को 42 गोली लगा है मुकेश सहनी को, और भोला जी को गोली लगा, उनको भी लगभग 19-20 गोली लगा। बैक सदेश कौन है इसमें? भोला जी। दोनों की मौत हो गई? दोनों के। नरेश सहनी को भी गोली लगी? उनको भी गोली लगा है हाथ। क्या नाम है उनका? नरेश सहनी। नरेश सहनी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट 2:05 जो है से हालने पकड़ा का जो है से मछली मारे चल रहा था उसी में जो है दो पक्षों के बीच मछली पालने और मारने को लेकर विवाद चल रहा। बड़ी ना मार है बड़ी। साहिबगंज में कहाँ? साहिबगंज में बैरिया। बड़ी ना मार गाँव है? बैरिया गांव में है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ सर? इसी में जैसे घटना घटित हुआ, दोनों पक्ष में मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, इसमें किनकी मौत हो गई? मौत हुआ राजेश कुमार सहनी। कितना उम्र होगा इनका? दो आदमी की मौत है, राजेश कुमार सहनी और भोला सहनी का। अच्छा, दोनों क्या हैं आपस में? नहीं, राजेश सहनी उर्फ भोला सहनी। और राजेश सहनी उर्फ भोला सहनी का मौत हो गया। और जैसे एक तो जैसे मुकेश सहनी, फोन वो नहीं उठा रहा है, और दूसरा मुकेश सहनी, दोनों भाई थे। दोनों एक ही पक्ष के हैं कि दोनों? एक ही पक्ष के, एक जख्मी है। एक जख्मी, उनका क्या नाम है? नरेश सहनी। और तीनों पिता नागा सहनी। और किनके किनके बीच विवाद था सर? मनीष सिंह से। वो मतलब गोली फायरिंग उसी पक्ष से चला? अभी तो हम देखते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया। चला दोनों पक्ष के बीच क्या हो रहा था घटनास्थल पर, ये मामला जांच किया हम लोग, जानकारी हुआ तुरंत फौरन पहुंचे। घटनास्थल पर ये दोनों आदमी की मौत हो गई? घटनास्थल पर ये भोला सहनी और एक इनका नाम बताओ, राजेश सहनी की मौत। चलिए, अब चलिए काम करने। आपको आता है सच का आईना।